हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड ब्यूटी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक शेयर करूंगी विद हेलो आईज। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आप जानने के लिए इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्राइमर के लिए यूज़ करूँगी इनसाइड का प्राइमर, और प्राइमर लेके मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। इससे मेरी पोर्स थोड़ा सा ब्लर आउट होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा कलर करेक्शन के लिए यूज़ करी हूँ एलिगल का ऑरेंज करेक्टर, और जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, और उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगर आपके फेस पे कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं आज दो फाउंडेशन यूज़ करूँगी, मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन एंड मेबेलिन सुपर स्टे फाउंडेशन। दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके मैं फेस पे अप्लाई करूँगी, उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेबेलिन फिट मी में मेरा शेड है 230 नेचुरल बाप, और मेबेलिन सुपर स्टे में मेरा शेड है गोल्डन। तो टाइम लेके मैं अच्छे से डैबिंग मोशन में फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर, और इसमें मेरा साइज है 25 मीडियम। तो मेरे फेस पे हायर पॉइंट्स पे जहाँ मैं अप्लाई करूँगी और अपने आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी एज ए आई शैडो बेस, उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और आज के वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। नेक्स्ट फेस को बेक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे रोज पाउडर, और इससे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अंडर आइज को बेक करूँगी, और कुछ टाइम के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। नेक्स्ट आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए मैं पहले स्कूल लेकर आईब्रोज को कॉम कर रही हूँ, उसके बाद एक पेंसिल की मदद से मैं आईब्रोज को अच्छे से फिल कर रही हूँ। और जो पेंसिल मैंने यूज़ किया है वो कैमलियन आईब्रो पेंसिल है, और इसमें मेरा शेड है ब्राउन। उसके बाद फिर से मैं आईब्रोज को कॉम कर लूँगी। नेक्स्ट फेस में जो पाउडर बचा हुआ है उसी से मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ, और जो बेकिंग का पाउडर है उसी से मैं रिमूव कर लूँगी। आज आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हिडी डोरा आई शेडो पैलेट, और उसमें से जो पिंक कलर है उसे मैं ब्लेंडिंग ब्रश में लेके क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट उसी पैलेट से एक डीप पर्पल शेड को ब्लेंडिंग ब्रश में लेके उस कलर के नीचे अच्छे से अप्लाई करूंगी, और दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करूंगी। क्योंकि मैं आज हेलो आईज करूंगी तो उसके लिए मैं इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे सेम पर्पल शेड को अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लैट शेड ब्रश की मदद से। बाद कट क्रीज के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर, और उसे एक फ्लैट सेट ब्रश में लेके मैं अपने आईलिड पे कट कर रही हूँ। उसके बाद उसी पैलेट से गोल्डन सेट को लेके मैंने जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है उसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी। मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो एजेस है उसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो मेरा आई लुक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लॉलेश लाइन पे भी मैं उसी पर्पल सेट को अच्छे से अप्लाई करूंगी ताकि जो आई लुक है वो बहुत ही पॉप अप हो। नेक्स्ट आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे इंस्टा आईलाइनर, और इस आईलाइनर की मदद से मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहो तो कोई भी कलर आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड ऑयल मेगा प्रोटीन मस्कारा, और इसकी मदद से मैं अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट करूंगी। नेक्स्ट काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलेरिन आई ड्रामा काजल, और इसे लेके मैं अपने वाटर लाइन को अच्छे से टाइट लाइन करूंगी। उसके बाद एक ब्रश की मदद से मैं आई शैडोज और काजल को अच्छे से स्मच करूंगी। तो नेक्स्ट कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स बॉन्ड्स पैलेट से कॉन्टोर शेड, और उसी में अपने हॉलोस ऑफ द चीक्स को और जॉ लाइन को अच्छे से कॉन्टोर करूँगी। आप चाहो तो कॉन्टोर का स्टेप भी स्किप कर सकते हो। तो मैं आज थोड़ा सा हार्श कॉन्टोर करूँगी। उसके बाद ब्लश के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन डायमंड ब्लश, और इसे एक ब्रश में लेके मैं अपने चीक्स को अच्छे से ब्लश को अप्लाई कर लूँगी, और मुझे ब्लश लगाना बहुत ही पसंद है।
नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर व्हाट इज माय मेगा ग्लो हाइलाइटर इन दिस पेंसिल स्किटल्स, और इसे लेके मैं अपने फेस पे, अपने नोज पे, क्यूपिड को, चिन पे और फोरहेड पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एम्स्टर्डम का लिक्विड लिपस्टिक, और सेट ने मुझे पता नहीं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद पूरे फेस को फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर, और इसे मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी, और उसके बाद जो फेस पे एक्सेस है उसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैप कर लूँगी। नेक्स्ट ऑफ कैमरा लैसेस को मैंने अप्लाई कर लिया है एंड देयर इज माय फाइनल लुक। यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों का आज का मेकअप लुक पसंद आए। अगर पसंद आए, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के पास छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, टाटा।